नमस्कार, मैं हूं आनंद राज। नया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह सहायता के भुगतान की सिफारिश करने वाले दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने की मांग की है। भारत सरकार ने अपने आवेदन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक व्यापक और मजबूत दिशा निर्देशों के साथ आने में सक्षम बनाने के लिए समय की मांग की है। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि कोविड-19 आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार करने की कवायद सक्रिय उन्नत चरण में है और इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले थोड़ी जांच की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट अपवादात्मक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के तहत याचिकाओं में संक्षिप्त कारण बताते हुए अंतरिम संरक्षण आदेश पारित करता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में जिस बात को लेकर असहमति प्रकट की गई है वह यह है कि अदालतों की प्रवृत्ति है कि वे केवल इतना लिखकर आवृत्त गुप्त संक्षिप्त अस्पष्ट आदेश पारित करते हैं, कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि जनहित याचिका दायर करते समय वादियों को दलीलों के नियमों का पालन करना होगा और तथ्य खोज का पूरा बोझ अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अधिवक्ता सोचते हैं कि जनहित याचिकाओं में पूरा बोझ अदालत पर डाला जा सकता है। आप कम से कम जो FIR है उसे हमें विवरण दें। जनहित याचिका किसी अन्य नियमित रेट याचिका की तरह है। आपको हमारी मदद करनी होगी और दलीलों के नियमों का पालन करना होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने केंद्र की कोविड-19 टीकाकरण नीति पर सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए नया टीवी के साथ। धन्यवाद।